आप देख रहे हैं कावासाकी ब्रांड की बाइक W175 को। ये बाइक आपको देखने में जैसे कि रेट्रो क्रूजर या फिर कम्यूटर श्रेणी की बाइक लग सकती है, लेकिन जो इसका इतिहास है, हिस्ट्री है, वो काफ़ी पुरानी है। पहली बात तो इसका जो डिजाइन है, इसके जो बिग ब्रदर हैं उनसे इंस्पायर्ड है, जिनका नाम है भाई W800। और इससे भी पुराना इतिहास ये है कि W सीरीज की जो बाइकें कावासाकी ने लॉन्च की थी वो 1966 से लॉन्च की थी, तो लगभग 50 साल पुराना इस W सीरीज बाइक का इतिहास है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लैटिन अमेरिका के देशों में, उरुग्वे में, मेक्सिको में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं, और इसके अलावा जो इंडोनेशिया में इसके 3 मॉडल आते हैं, जैसे कि सेम टू सेम आप देख रहे हैं। इसके अलावा W175 कैफे रेसर आती है और एक टी आर आती है, तो वहाँ पर इंडोनेशिया में 3 मॉडल, लेकिन इंडिया में ये जो आप देख रहे हैं ये है W175। अब यहाँ पर थोड़े से फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो इसका जो टैंक आप देख रहे हैं, ये जो पेट्रोल टैंक है भाई, ये इंस्पायर्ड है जो आपके आंसू होते हैं उनकी जो बूंदें होती है ना, उनसे ये डिजाइन उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। अब इसमें जो फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले तो आप इसका मॉडल और डिजाइन देख लें भाई, आपको एक रेट्रो क्रूजर, मतलब आप कुछ कह सकते हैं कि इससे इंस्पायर्ड है। और देखने में आपको कैसी लगी दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दें। रेड कलर की ये बाइक है, टैंक पैड यहाँ पर लगे हुए, इधर आकर दिखाओ भाई जरा। W, यहाँ पर W सीरीज है, ये कावासाकी की बाइक है, यहाँ पर टैंक पैड है, यहाँ पर कावासाकी की ब्रांडिंग है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा जैसे यहाँ पर ये साइड गार्ड है और ये टायर स्पोक व्हील के साथ आती है। पीछे से अगर आप डिजाइन देखेंगे इसका तो एक ये राउंड शेप में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बैकलाइट ज़रा देख लेता हूँ भाई, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, ये बैक प्रोफाइल है। और इधर से आकर दिखाओ भाई, इसका साइलेंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंसर जैसे बुलेट से भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा राउंड शेप में लग रहा है। और फुटरेस्ट आप देख सकते हैं भाई, रबड़ वाली। यहाँ पर ये है इसकी ब्रेक का डिज़ाइन, पैर आपके चले ना या गर्म ना हो तो, मतलब इनमें टच ना करें तो, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है, BS6 वाली ये बाइक है, BS6 Phase 2 अपडेट के साथ आती है। और इसके अलावा फ्रंट से दिखाओ भाई, ये राउंड शेप में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट्रो क्रूजर, यहाँ पर आप देखेंगे स्विच ऑन करने पर इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, राउंड शेप में हेडलाइट मिलती है आपको, और राउंड शेप में ही आपको ये इंडिकेटर और ये फाइबर का आपको मडगार्ड मिलता है। और बाकी इधर दिखाओ भाई ज़रा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टायर साइज, दिखाओ भाई जरा, देखो कहाँ कहाँ पहुँचा है, कितना है, 80-117 का इसमें टायर मिलता है, 270 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है, पीछे 190-17 का 110 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, और 190-17 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भाई मिल जाता है। और अगर इंजन की बात करें तो इसमें 177 cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन मिलता है, 13 hp की पावर मिलती है 7500 rpm पर, 13.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 rpm पर, 5 गियर इस बाइक में मिलते हैं, बोर है 65.5 mm और स्ट्रोक है 52.4 mm, मतलब ओवर स्क्वायर इंजन इस बाइक में आपको मिल जाता है। और भाई इसकी प्राइस मैं ज़रा देख लेता हूँ। इसके अलावा अब मैं इसका साउंड वाउंड आपको सुनाऊँगा, पहले साउंड सुना, हाँ मीटर दिखाओ भाई ज़रा इधर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इंजन किल की स्विच आपको मिल जाती है, सेल्फ की स्विच मिल जाती है, सिंगल हैंडल बार आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न, हाई बीम लो बीम पास की बटन मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे लो बैटरी, चेक इंजन लाइट और ABS की लाइट, सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है इसमें, हाई बीम लो बीम, और यहाँ पर न्यूट्रल का, यहाँ पर दो आपको सेलेक्ट करने की मोड और सेलेक्ट करने की बटन है, W की ब्रांडिंग है, और छोटा सा आपको डिजिटल मीटर, डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, जिसमें नज़दीक से दिखाना भाई ज़रा। और यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉक मिलती है, उसके अलावा ये ट्रिप मीटर है, दबा के रखेंगे तो ट्रिप भी आ जाएगा, और प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ओडोमीटर आ जाएगा। अब इसका साउंड सुनाने की बारी आती है, स्टार्टिंग एक बार आप और सुन लें, तो ये है W175 का साउंड। और इधर गियर दिखाओ भाई जरा, ये गियर का सिस्टम है भाई, सिंगल मिलता है,
यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी आपको मिल जाती है, और इंजन जैसा नॉर्मली आपने देखा होगा वैसा ही है, लिक्विड कूल नहीं है, मतलब कि ये एयर कूल इंजन इसमें आपको मिलता है। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं भाई मोटो हब कावासाकी रिंग रोड कल्याणपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। प्राइस की बात करें, अगर आप W175 रेड कलर में लेते हैं, एक ब्लैक कलर में आती है, देख लें आप बस, और ये है रेड कलर जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ। इसकी प्राइस है 179107, मतलब 107 रुपये, 179107 रुपये में ये बाइक ऑन रोड प्राइस लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी, और माइलेज 40 के आसपास है, 40 प्लस भी आपको इसमें माइलेज मिल सकती है। तो अब राहुल भाई इस पर बैठ कर दिखाएंगे, जिससे मैं आपको बताऊँ कि भाई इसकी सीट हाइट और डायमेंसन क्या है। भाई पैर पहुँच रहे हैं और आप देखें कि भाई इनके ऊपर कैसी लग रही है। पीछे खड़ी है ZX10R, बैठे रहो भाई, अभी सीट हाइट तो बताई नहीं। इसकी सीट हाइट है 790 mm, व्हील बेस है इसका 1320 mm, और वजन है 135 किलोग्राम, मात्र 177 सीसी की वजन, मात्र 135 किलोग्राम है, जो बहुत अच्छी बात है। 12 लीटर का भाई इसमें पेट्रोल टैंक इसमें लगाया गया है, और बाकी सब कुछ आपको मैंने बता ही दिया है। अब भाई सही लग रही है, ज़्यादा वजन तो नहीं लग रही है ना, तो 175 सीसी की बाइक इतने कम वजन में आती है। अब प्राइस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि 179,000 की लगभग ऑन रोड प्राइस में ये बाइक आपको मिल जाएगी, मतलब 179,000 रुपये में ये बाइक आपको मिलेगी। और जो मैंने पर्चा रख रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस है 179,107, 179,107 रुपये इस बाइक की लखनऊ मोटो हब कावासाकी पे इसकी ऑन रोड प्राइस है दोस्तों। और सारे फीचर्स सब कुछ मैंने आपको बता दिए हैं जो मैंने इस बाइक में आपको दिखाए, आपको कैसे लगे। थोड़ा सा इस पॉकेट इसकी मुझे छोटी लग रही है, आप चैन देख लें तो घुमाओ जरा भाई, देखें जरा कितने इस पॉकेट कितने भाई 35 टीथ की ये इसमें चैन इस पॉकेट लगी हुई है, तो जिससे ये बाइक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी पिकअप आपको देगी, टॉप स्पीड आपको देगी। सस्पेंशन आप देख लें, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। इसके इंजन का डिज़ाइन आप देख लें, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यहाँ पर कावासाकी इस पर लिखा हुआ, कावासाकी की ब्रांडिंग है, स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पर लगी हुई है भाई। तो ये एक बड़े ब्रांड की कम कीमत में मिलने वाली बाइक है, कावासाकी W175। तो आपको ये बाइक कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।